तो मतलब क्या करते हैं, मार पिटाई करते हैं बेटा, वो सामान छीन लेते हैं। और ये लड़का जो पीछे बैठा है ना, वो मेरे को ना बहुत दिनों से देख रहा है, और ये मारने की धमकी देता है, इसीलिए जो लड़का पीछे बैठा मारने की धमकी देता। कौन बेटा? दोस्तों मेरे को यहाँ से गाड़ी किसी और जगह पे लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चा लगातार इसको घूर रहा है। बच्चे को आपको दिखा दो, उसने ड्रिंक भी कर रखी है और ये आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों गाड़ी मेरे को थोड़ी सी साइड करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को पैसे देने हैं मैंने, एक प्यारी सी गेम भी खेलनी है बच्चे के साथ, और अगर उसने देख लिया तो फिर वो कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए गाड़ी कहीं और लगानी पड़ेगी। कौन से वाले ज़्यादा बताओ, दोनों में से? सोचो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना सनी आर्य। दोस्तों पहले तो क्षमा चाहूंगा आपसे कि मेरी वीडियोस बहुत लेट आ रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि मेरे पास 5 से 6 चैनल हैं जिनको संभालना पड़ता है, जो कि आपने देखे होंगे, तहलका प्रैंक, तहलका वीडियोस, तहलका व्लॉग्स, तो समय देना पड़ता है सारे चैनलों में, इसलिए वीडियोस थोड़ी सी डिले हो गई है हेल्पिंग सनी आर्य की, उसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे मैं। और आज मैं हूँ जनकपुरी दोस्तों, तो मैंने विचार किया कि आज एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। इस वीडियो के अंदर एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी जाएगा और बच्चे के साथ बहुत मस्ती भी करेंगे। प्यारा सा बच्चा हमारे गाड़ी के बिल्कुल ठीक पीछे बैठा हुआ है, हेमंत को बोलूंगा यहीं से दिखाने के लिए। हेमंत यहीं से दिखाओ एक बार। वो बच्चा बहुत मासूम सा है, प्यारा सा है और पेन बेच रहा है, और काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ, उसने कम से कम 3 से 4 लोगों को रोका लेकिन उन्होंने पेन उससे नहीं खरीदा। और अब इस बच्चे के साथ खेलेंगे बहुत प्यारी सी गेम, जो कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। ऐसी वीडियो बनने वाली है कि बच्चे को आज बहुत मोटा इनाम मिल सकता है। तो थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ आपको, ये नोट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बोले तो 30,000 रुपये हैं। और बहुत प्यारी वीडियो है, बहुत ही प्यारी वीडियो है, कि आपको मज़ा आ जाएगा ये वीडियो देखकर, और वीडियो को बहुत दबा के शेयर करना। और हाँ दोस्तों आपके भाई का गाना आया है सही है करके, ये स्क्रीन पे ऊपर आ रहा, जो कि मैंने रिलीज़ किया अपने चैनल तहलका प्रैंक पे, और फेसबुक पे जाके देख लेना और गाने को दबा के शेयर करना। अभी ये ऑडियो रिलीज़ किया है, अगर आपने ऑडियो पर प्यार दिया तो वीडियो मेरी वाइफ के साथ मैं जल्दी निकालूंगा। गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, जाके देख लेना। अब खेल को स्टार्ट करते हैं, बहुत प्यारी गेम है, बच्चे से ढेर सारी बातें भी करेंगे। ये है आपके सामने 10 के नोट की गड्डी, जो कि 1,000 रुपये है। कितने अमन? 1,000 रुपये। और ये है अमन? 30,000। तो बच्चे से बहुत प्यारे से सवाल करने वाला हूँ, पहले इस गेम को ना बाद में खेलेंगे, पहले बच्चे से बहुत सारी बातें कर लेते हैं, ठीक है अमन? बुलाते रुक जाओ। हाँ बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? प्रेम कुमार। पेन कितने का बेचते हो बेटा? 10 का 1। और कहाँ रहते हो बेटा? दुर्गा पार्क में रहते हो। पापा क्या करते हैं बेटा? पापा मेरे कूड़े का काम करते हैं। अच्छा, मम्मी? मम्मी झाड़ू पोछा करती थी, छूट गया। छूट गया? खाना बेचती है बस। अच्छा, खाना बेचती है मम्मी। आपकी एज कितनी, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 11 साल के हो आप। तो पेन दिखाओ, कौन से वाले पेन है बेटा, कितने का बेचते हो एक पेन? 10 का। मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, कोई ले नहीं रहा आपसे, तो फिर कितने कितने पैसे कमा लेते हो? पूरे 10-15 रुपए कमाते होगे बेटा, हाथ मार के 20 रुपए कमाते होगे, इतने ही कमाते हो? और कितने पेन बेच लेते हो पूरे दिन में? 2-3? 5 बेच लेते पेन, मतलब 50 रुपए के पेन बेच दिए, जिसमें से कमाई आपकी 10-15 रुपए हो जाती है ना, आराम से हो जाती है। खाना वाना खा लिया आपने? खाना खा लिया? अच्छा, घर में छोटा भाई छोटी बहन ये सब भी है बेटा? घर में भाई बहन नहीं है, दो छोटे भाई हैं। दो छोटे भाई हैं, आगे आ जाओ बेटा हल्का सा। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे कितने बजे आ जाते हो बेटा, कितने बजे तक सामान बेचते हो? मैं बेचता हूँ, सुबह आता हूँ, शाम को घर जाता हूँ। सुबह आ जाते हो, शाम को चले जाते हो, और फिर खाना वाना यहीं बाहर कर लेते हो क्या? अगर कोई भी पेन लेता है ना मेरा एक दो, तो उससे उस पैसे से खा लेता है। अच्छा, जो आपके मतलब एक दो पेन खरीद लेता है उसी पैसे से आप खाना खा लेते हो, और रात को 8-9 बजे घर चले जाते हो? नहीं, 9 बजे नहीं, 7 बजे घर चला जाता हूं। अच्छा, 7 बजे घर निकल जाते हो? क्योंकि इधर ना बहुत सारे गंदे लोग रहते हैं, पकड़ लेते हैं। गंदे लोग रहते हैं बेटा? जैसे कि नशेड़ी सुलेसर वाले, और कोई ना जो नशा वशा करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या करते हैं, मार पिटाई करते हैं बेटा, वो सामान छीन लेते हैं। और ये लड़का जो पीछे बैठा है ना, वो मेरे को ना बहुत दिनों से देख रहा है, और ये मारने की धमकी देता है, इसीलिए जो लड़का पीछे बैठा मारने की धमकी देता। कौन बेटा? नहीं, ऐसा नहीं, पता क्या जाता है? अच्छा, उसने तो नशा कर रखा है बेटा। मेरे एरिया में तू मत आए कर, तू उधर
से चलेगा, इसीलिए मैं इधर। ये बोलता है एरिया में बताया कर। हाँ, मेरा ये इसी का जगह है, वो इधर ही रहता है, कभी मास्क बेचता है तो कभी कुछ, और फिर नशा करता है। और नशा करने में क्या बोलता है, मैं मारूंगा, धमकी देता हूँ मारने की आपको। इसीलिए मैं कभी इधर नहीं आता, उधर ही से जाके चला जाता। अच्छा बेटा, तो आप एक काम करो ना बेटा, ऐसे ही अगर आपको पता लग गया कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ मत आया करो बेटा। आप तो क्यों आते हो यहाँ पर? आप अभी खाली एक दो दिन के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि ना एक भैया ने बोला था ना कि 100 रुपए का पैन ले लूंगा, पर अभी नहीं आया, इसीलिए अब मैं नहीं आया। अच्छा, मतलब आप इतने दिनों से इसलिए आ रहे हो, भैया ने आपको वादा किया था कि आपसे 100 रुपए के पैन ले लेंगे, आप उन्हीं का इंतजार करते रहते हो और आए नहीं अभी तक भैया। मम्मी सही कहती है बेटा, ऐसे इंतजार नहीं करते, एक दिन कर लेते हैं, दो दिन कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं करते बेटा। सही बोला बेटा, मैं भी आपको मना करूंगा, जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत गंदा नशा कर रखा, जैसे आपको देख भी रहा है, उसको समझाऊंगा मैं भी, उसकी चिंता ना करो बेटा, आप कुछ नहीं कहेगा आपको। और आज जैसे मेरे से मिले हो ना बेटा, जो मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ अच्छा सा, फिर सीधा घर चले जाना, इसी इलाके में, मतलब ये जो एरिया है ठीक नहीं है बेटा, और फिर जो घर के पास जो भी अच्छी सी जगह हो वहीं पे पैन बेचना बेटा, आपके लिए सेफ भी है, इससे मम्मी को भी अच्छा लगेगा, पापा को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भी मेरे बेटे ने बात मान ली बेटा। मेरे को ये बताओ, पढ़ाई क्यों नहीं करते आप? पढ़ाई भी करता हूं। कौन सी क्लास में हो आप? सेवंथ में हूं। दोस्तों, मेरे को यहाँ से गाड़ी किसी और जगह पे लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चा लगातार इसको घूर रहा है, बच्चे को आपको दिखा दो, उसने ड्रिंक भी कर रखी है और ये आपको नजर आ जाएगा। तो दोस्तों, गाड़ी मेरे को थोड़ी सी साइड करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को पैसे देने हैं मैंने, एक प्यारी सी गेम भी खेलनी है बच्चे के साथ, और अगर उसने देख लिया तो फिर वो कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए गाड़ी कहीं और लगानी पड़ेगी। हिम्मत वहाँ लगा दे गाड़ी, बच्चे को उतने बोल दिया ना खड़ा होने के लिए, बस ठीक है ठीक है। पापा के पास खड़ा है बच्चा, ये देख सकते हैं बच्चा आप, इसने कपड़े भी नहीं पहने हुए और नशे में है पूरा, तो इसलिए बच्चा डर रहा है इससे, इसलिए मैंने बच्चे को बोला कि बेटा तू पापा के पास जा, वहीं पर बेटा एक प्यारी सी तरह से बातें वातें करेंगे और गेम खेलेंगे। आंटी जी, क्या नाम है आपका? बच्चा, ये बेटा आपका है, पढ़ाई करवाते हो? तो ये बच्चा जैसे डरा हुआ है बहुत ज्यादा, वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है नशे वशे करता है, तो क्यों छोड़ा आपने ऐसे? अरे तो बच्चा पेन बेच रहा है ना। पेन बेच रहा है, लेकिन डर भी तो देखो ना कितना ज्यादा फैला हुआ है इसके अंदर, उसको देख के डर गया, ये पीछे बैठा था, इसके पीछे बैठा था ना तेरे बेटा, इसको लगातार घूर रहा था वो। तो फिर ऐसे बच्चे को अपने आपके बच्चे को आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना आंटी जी, ये सेफ्टी आपके हाथ में है। आप यहाँ पे क्या काम करते हो? भुट्टा बेचते हैं, खीरा बेचते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो फिर बच्चे को जब इतनी बड़ी धमकी दे रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है आंटी जी? आप संभालोगे ना? संभालने का तो है, तो जैसे सामने आता तब ना यहाँ पे आता, बहुत लोग खाना मम्मी के पास ही रहकर बेटा ज्यादातर खाना मांगने आता, दो चार आदमी को ऐसे ही देते मांगने वाला को। अच्छा अच्छा अच्छा, मांगने वाला को मम्मी के, मम्मी यहाँ खड़ी है, मम्मी यहाँ खड़ी है, तो मम्मी की यही दो तीन कदम दूरी पे रहकर बेटा यही सामान बेचा कर, आगे नहीं जाना। तो ये पढ़ाई को करता कितने, शाम को घर पढ़ाई करता है आंटी? कैसे स्कूल भेजते हो? अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, इधर आ गया, कौन से वाले ज्यादा बताओ दोनों में से? दोनों में से? हाँ सोचो, ये ज्यादा है। तो ये पैसे आपकी मम्मी को दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना? इसका गलत काम नहीं करना आंटी जी, इसको समझाना, और जो भी बच्चे को चीज लेनी हो आप देना। मैं आपको बेटा एक लेकिन चीज बताया था, लेकिन आप ना गेम में हार गए हो, ये बल्कि पैसे ये वाले ज्यादा थे, ये वाले कम होते हैं बेटा, लेकिन आप जीते ये वाले पैसे, इसे बोलते हैं 1000 रुपये, मम्मी को दे रहा हूँ आपकी आंटी, इसका गिफ्ट है ये। मम्मी से कुछ लेने हो तो खाने के लिए लेना, गंदे काम के लिए नहीं, सिगरेट के लिए लेने ना ही, वो गंदी चीज कर रही, गुटका वुटका कभी नहीं खाना आंटी जी, है आंटी जी, गंदे नशे वशे कभी मत करने देना, ठीक है बेटा, प्रॉमिस। और पढ़ाई करके ना मम्मी पापा का नाम रोशन करना है बेटा, पढ़ाई करोगे तो बड़े आदमी बनोगे बेटा, तभी गाड़ी ले पाओगे, बड़े आदमी बन पाओगे, और अगर इतना डर लगता तो मम्मी के पास रहा करो बेटा, उस ऐसे लोगों से दूर रहो बेटा, आप प्रॉमिस कर रहे हो मेरे से आप? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हमेशा खुश रहो, पढ़ाई करो और मम्मी के पास रहो बेटा, ठीक है आंटी जी, ध्यान रखना, नमस्ते, जय माता दी। तो दोस्तों, बच्चा बहुत मासूम था, मैंने बच्चे को पैसे अलग से नहीं दिए, मैंने उसकी, मेरे को हेमंत ने बताया कि उसकी मम्मी पीछे खड़ी है, तो उसकी मम्मी के सामने मैंने गेम खेली प्यारी सी, और उसकी माता के सामने ही उनको पैसे पकड़ाए, क्योंकि जिस हिसाब से वो बच्चा पीछे बैठा हुआ था लगातार देख रहा था,
तो इस बच्चे के साथ गलत हो जाता, क्योंकि हम तो निकल जाते हैं यहाँ से और पीछे से कुछ गलत कर देता या कुछ उसको मार देता, तो वो ठीक नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों मेरे को जो ठीक लगा मैंने किया, एक प्यारी सी गेम थी ये, और पैसे मैंने बच्चे के हाथ में ना देते हुए बड़े के हाथ में दिए जो उनके काम आ जाएंगे। और आंटी भुट्टा बेचती है जी, ये बच्चा पेन बेचता है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है 2-3 हज़ार रुपये महीने के कमा पाते होंगे, इतने ऊपर की इनकी कमाई नहीं होगी। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो इतनी कमाई पहले वाली नहीं रही इन बच्चों की भी। तो आपको भी कहीं कोई बच्चा दिखता है उसको खुश करना, पैसे दे के नहीं, टोकी देकर या उसको समझा के या उसको कुछ भी छोटा सा 2 रुपये का गिफ्ट होता है। और बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उन बच्चों से, तो मैंने इसकी मम्मी से रिक्वेस्ट कर दी कि ऐसे बच्चों के आगे नहीं छोड़ना। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरा जो गाना ये आ रहा सही है, इसको ढेर सारा प्यार देना, आपके भाई की बहुत मेहनत लगी है। और अब जल्दी अगर इस ऑडियो को आपने बेशुमार प्यार दिया तो वीडियो जल्दी मेरी वाइफ के साथ आएगी, आपको बहुत पसंद आने वाली है और ये गाना भी बहुत पसंद आने वाला है आपको। और इस गाने के ये गाना मेरा कहाँ कहाँ पे रिलीज़ हुआ है ये सब जगह आपके सामने शो कर रही हैं, इस साइट्स पे मेरा गाना शो करेगा आपको। और इसके क्वालिटी ट्यून कोड भी ये आ रहे, आप अपने फ़ोन पर क्वालिटी ट्यून लगा सकते हैं, गाना बहुत पसंद आएगा आपको। जितने भी आपके परिवार के मेंबर हैं जो मतलब मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब जगह वीडियो को शेयर कर देना, इस गाने को मेरे शेयर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, एक हंसी की बात ये कि बच्चे से मैंने पूछा कि क्या नाम है वो 10 की गड्डी ज़्यादा मतलब ज़्यादा नोट है या 2-2 हज़ार के ज़्यादा नोट है, तो बच्चे ने पसंद किया उसको 10 की गड्डी को। और वो इसलिए बच्चे को लगा मोटी गड्डी है, हेमंत बच्चे को लगा मोटी गड्डी है, बहुत सारे पैसे होंगे, तो अगर वो 2 हज़ार के नोट चुनता तो उसको वो मिल जाते। अगर उसने जो चुना वो था 10 की गड्डी, उसको लगा बहुत सारे नोट होंगे तो उसकी किस्मत में जो था उसको मिल गया। बस वीडियो को बेशुमार प्यार देना, लव यू, जय माता दी। दोस्तों इस वीडियो की एक अपडेट आपको मैं और दे दूँ। आंटी जी जो बच्चा जो उसकी मम्मी साथ में खड़े थे, आंटी मेरे को 10 की गड्डी दोबारा दे गई है, ये रही वो 10 की गड्डी कि भैया उसके पिताजी मना कर रहे हैं कैसे पैसे नहीं लेने। तो ये अपडेट है जो मैंने आपको देनी थी और बहुत ज़रूरी थी अपडेट ये। ये पैसे किसके नाम पे लिखे थे, भगवान ने किसको देने के लिखे थे, तो ये अब आप देख ही लेना आगे। अब जो भी रास्ते में हम जिस काम से जा रहे थे, जो भी रास्ते में बच्चा मिलेगा या कोई बड़ा मिलेगा, बुजुर्ग मिलेगा, ये उसके नाम पे पैसे लिखे हुए थे भगवान ने, तो उसी को मिलेंगे। तो आगे की वीडियो थोड़ी देर में आपको हम दिखा देंगे। उसकी किस्मत पे शायद ये पैसे नहीं थे। बाकी हाँ, जो मैंने ज्ञान देना था उस बच्चे को, पढ़ाई का, उसकी मम्मी को समझाना था कि रिस्की है मैटर, तो वो मैंने अपनी तरफ से पूरा फर्ज निभाया। लेकिन उसकी मम्मी ने आते बोला कि भैया नहीं, इसके पिताजी मना कर रहे हैं नहीं लेने पैसे। तो ये इनकी अच्छाई है, बड़प्पन है। और ये भी हो सकता है कि लाइक उनको हल्का सा डर लग गया हो कि यार पैसे क्यों दे गए अचानक से, कि कई लोगों को नहीं पता, हेल्पिंग वीडियोज़ कुछ लोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं जनता की, ऐसा कुछ लोगों को नहीं पता होता। गरीब तबके के लोग कुछ डर जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते चीज़ों को, तो ये हुआ मेरे साथ भी, वो नहीं समझ पाए अच्छे से। इसमें ये भी हो सकता है कि कई लोगों को मेहनत की कमाई अच्छी लगती है, नहीं लेना पसंद करते। जैसे आंटी का मन कर गया कि हाँ चलो भाई गिफ्ट आ रहा ले लो, बच्चे का मन कर गया, लेकिन तीसरे जो उसके पिताजी वहाँ बैठे हुए थे उनका मन नहीं करा। तो सबकी अलग अलग सोच है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? तबीयत सही नहीं है। तबीयत सही नहीं है, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ बस हल्दी वाली लाल। तबीयत को क्या हो गया आपकी? तबीयत को क्या हुआ? पता नहीं क्या है, मैं दवाई भी खा रहा हूँ बराबर। अच्छा, बीमार हो गया आप? हाँ। अच्छा अच्छा, तो दवाई वगैरह दिलवा दो आपको? दवाई दिलवा दोगे तो बढ़िया ही होगा। या पैसे दे दूँ? पैसे दे दूँ, मैं ले लूँगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है मेरा। अच्छा, ये कितने के बताओ, कितने की गड्डी है ये? होगी 1000 रुपए की। अंकल जी, और पैसे की जरूरत तो नहीं है आपको? और तो जरूरत नहीं है, पक्का? दवाई कितने तक की आएगी? 500-600 तक की आएगी बस? ठीक है अंकल जी, बाय बाय।